नमस्कार प्रिय बच्चों, कल्टीवेशन ऑफ बेर की इस श्रृंखला में आज हम 13वें वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बेर के इम्पॉर्टेंट डिजीज एंड मैनेजमेंट पर, बेर के डिजीज एंड मैनेजमेंट पर। इससे पहले वीडियोज में आपने देखा था इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था फ्रूट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, है ना। तो एक पूरे रिदम में जो बेर की कल्टीवेशन है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो में इंसेक्ट के बाद आप पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, कौन कौन से डिजीजेज इसमें लगते हैं सबसे पहले आपको ये जानना है। इसके साथ साथ क्या इनके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनके नेचर ऑफ डैमेज हैं और क्या इनके कंट्रोल मेजर्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से डिजीजेज हैं जो इसमें लगते हैं। सबसे पहले है पाउडरी मिल्ड्यू, फिर है आपका सूटी माउल्ड एंड ब्लैक लीफ स्पॉट, फिर है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, फिर है आपका फ्रूट रॉट। ये चार डिजीजेज हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और बेर में ज़्यादातर इन्फेस्टेशन करती हैं। तो हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू से। पाउडरी मिल्ड्यू का साइंटिफिक नेम है ओइडियम स्पीसीज। पाउडरी मिल्ड्यू को हम ओइडियम स्पीसीज भी कहते हैं जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। अब जो इसके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हम बात करेंगे और उसके कंट्रोल मेजर की भी साथ ही साथ बात करेंगे। द डिजीज़ अपीयर्स इन अक्टूबर नवंबर। ये जो रोग है, ये जो डिजीज़ है, ये आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है। डिजीज़ अपीयर्स इन अक्टूबर नवंबर। इस डिजीज़ का जो उद्भव होता है, जो प्राकट होता है, जो अपीयर होता है, ये अक्टूबर नवंबर में होता है। When temperature becomes low and weather is cloudy, जब तापक्रम लो होता है, लो का मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। लो का मतलब ये नहीं कि जीरो से डिग्री चला जाए, जीरो से नीचे चला जाए, नहीं। When temperature becomes low and weather is cloudy, जब आसमान में बादल होते हैं, मेघाच्छादन होता है, मतलब जो बादल होते हैं कि मतलब बरस भी नहीं रहे हैं, बादल किए हुए हैं, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और अक्टूबर और नवंबर का महीना है, ये तीनों चीज़ें काफ़ी सुटेबल होती हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि द डिजीज़ अपीयर्स इन अक्टूबर नवंबर व्हेन टेम्परेचर बिकम्स लो एंड वेदर इज क्लाउडी, मीन्स ह्यूमिड। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, ये पहचाना जाता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वाइट स्पॉट्स ऑफ फंगस ऑन लीव्स, फ्रूट्स एसेट्रा। इसकी पहचान ऐसे की जाती है कि जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं और जो फल हैं, उन पर सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, किसके, कवक के। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वाइट स्पॉट ऑफ फंगस, सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं फफूंदी के पत्तियों के ऊपर और फ्रूट्स पर, ये इसका करेक्टराइज सिम्टम्स है। इन अर्ली फेज, प्रारंभिक अवस्था में, अर्ली स्टेज में, इन अर्ली फेज इन द पाउडरी मिल्ड्यू मास स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स इन सीवियर केस। प्रारंभिक अवस्था में जो पाउडरी मिल्ड्यू का मास है वो स्प्रेड होता है पूरी पत्तियों, मतलब ऑल ओवर द सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की सरफेस में, ऑल ओवर सरफेस ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स इन सीवियर केसेस। जब बहुत सीवियर केसेस हो जाता है, बहुत भयावह अवस्था हो जाती है, तब फलों पर आता है, नहीं तो प्रारंभिक अवस्था में, अर्ली स्टेज पर जो वाइट स्पॉट्स होते हैं फंगस के, जो पाउडरी मिल्ड्यू का करेक्टराइज सिम्टम्स होता है, वो पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। सफ़ेद धब्बे पत्तियों पर आते हैं और जब स्टेज बहुत सीवियर होती है, भयावह अवस्था जब आ जाती है, तब वो अपना प्रभाव फलों पर दिखाते हैं। द फ्रूट्स ड्रॉप प्रीमैच्योरली और बिकम संकिन। जो फ्रूट जो ड्रॉपिंग है, प्रीमैच्योर फ्रूट, जो बिना पका हुआ फल है, वो गिर जाता है और कैसा हो जाता है, संकिन, मतलब सूखा, खुरदुरा सा। फ्रूट ड्रॉप प्रीमैच्योरली, प्रीमैच्योरली का मतलब जो मैच्योर ना हुआ हो और उससे पहले ही झड़ गया हो, गिर गया हो। और बिकम संकिन मतलब मीन्स अनफिट फॉर
राइपनिंग, संकेन का मतलब अनफिट फॉर राइपनिंग, मिस हैपन एंड कॉर्की, जो फ्रूट होता है राइपनिंग के लिए अनफिट हो जाता है, कॉर्की हो जाता है, मिस हैपन का मतलब आप समझ सकते हैं मतलब एक तरीके से मिस हैपन्ड, छुआरा सफ़ेदा सिलेक्टेड, नाजुक ग्लोरी, सानोर टू, जेजी टू, थ्री एंड फाइव एंड चाइनीज आर रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्डी। ये जो वेराइटीज़ हैं ये पाउडरी मिल्डी के प्रति प्रतिरोधी पाई गई हैं। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि छुआरा सफ़ेदा सिलेक्टेड, नाजुक ग्लोरी, सानोर टू, जेजी टू, थ्री फाइव एंड चाइनीज आर रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू। इन वेराइटीज़ में पाउडरी मिल्ड्यू का किसी भी तरीके से कोई इन्फेस्टेशन नहीं होता। अब यदि हम इसके कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो इसका कंबाइंड यूज है, तो द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कंट्रोल द डिजीज़ इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ ट्राइडीमेफोन एंड डाइनोकैफ 0.1%, केराथिन मीन्स डाइनोकैफ एंड बेटेविल सल्फर 0.2% और बेविस्टिन 0.05%, डस्टिंग द ट्री विथ सल्फर एट 250 ग्राम पर ट्री। इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम क्या करते हैं, ट्राइडीमेफोन और डाइनोकैफ जो होता है ना 0.1%, हम उसका स्प्रे करते हैं। इसमें कैराथेन भी है जो आपका डाइनोकैफ है, एंड बेटेविल सल्फर भी है 0.12% और बाबस्टन भी है 0.05%, डस्टिंग द ट्री विथ सल्फर एट 250 ग्राम पर ट्री। नेक्स्ट डिजीज़ की यदि हम बात करते हैं तो वो है सूटी माउल्ड और ब्लैक लीप स्पॉट। सूटी मोल्ड और ब्लैक लीप स्पॉट मीन्स एसेरियोपसिस स्पीसीज, इसे एसेरियोपसिस स्पीसीज। तो हम बात करेंगे इसके करेक्टराइज सिम्टम्स की। द ब्लैक स्पॉट्स अपीयर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड द इंटायर लोअर सरफेस मे बी कर्व्ड बाय सूटी मोल्ड इन एडवांस स्टेजेस। कहने का तात्पर्य है कि ब्लैक स्पॉट्स जो हैं लोअर सरफेस पर अपीयर होते हैं, किसके, पत्तियों की लोअर सरफेस पर, एंड द इंटायर लोअर सरफेस, और जो लोअर सरफेस पूरी लोअर सरफेस है मे बी कर्व्ड ढक जाती है सूटी मोल्ड से इन एडवांस स्टेजेस। फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं कि द ब्लैक स्पॉट्स अपीयर ऑन द लोअर सरफेस, नीचे की सतह पर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं पत्तियों के, साथ ही साथ इंटायर लोअर सरफेस कवर्ड हो जाती है सूटी मोल्ड से जब भयावह स्थिति में इसका इन्फेस्टेशन होता है। द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं डायथेन Z78 जिनेब का स्प्रे करके, 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटॉक्स का स्प्रे करके, 0.6 एंड डायफोल्टान 0.05% एट 490 इंटरवल्स। इसमें बताया गया है 490 इंटरवल्स का 15 दिन में हम स्प्रे करके, इसमें जो सबसे प्रभावी है वो डायथेन Z78 है। इसका 1 से 1.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट को 800 से 1000 किलोग्राम पानी में मिलाकर लगभग 100 से 120 पौधों पर स्प्रे किया जा सकता है, जो कि काफ़ी प्रभावी रहता है। ठीक है, इसका इन्फेस्टेशन कहाँ होता है, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स पे। ठीक है, जब सीवियर इन्फेस्टेशन होता है तो जो इंटायर लोअर सरफेस होती है वो कवर्ड हो जाती है सूटी मोल्ड से। ठीक है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, डायथेन Z78 के द्वारा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा, डायफोल्टान के द्वारा, कब 490 इंटरवल्स पर जब हम स्प्रे करते हैं तब। अब हम नेक डिजीज की बात करें तो वह अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया अल्टरनेरी। इसके जो करेक्टराइज सिम्टम्स हैं, डार्क ग्रे स्पॉट ऑन लोअर सरफेस, डार्क ग्रे रंग के जो स्पॉट्स हैं लोअर सरफेस पर हो जाते हैं पत्तियों के, डार्क ग्रे स्पॉट हो जाते हैं पत्तियों के निचली सतह पर, अपीयर्स इन जनवरी फरवरी, जो कि जनवरी फरवरी में दिखाई देते हैं।
द डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय, जो डिज़ीज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, जिनेब की एप्लीकेशन के द्वारा। जिनेब मतलब डाइथेन जेड 78 का यदि हम एप्लीकेशन कर दें तो उसके एप्लीकेशन के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हमारा डिज़ीज़ है, नेक्स्ट डिज़ीज़ है फ्रूट रॉट, जिसका साइंटिफिक नेम है फोमा स्पीसीज, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज, अल्टरनेरिया स्पीसीज और पेस्टलोटिया बर्सी कलर। ये इसके साइंटिफिक नेम है। जो करेक्टराइज सिम्टम्स हैं, जो इसके इन्फेस्टेशन में हो जाते हैं, उनकी यदि हम बात करें तो लाइट ग्रे ब्राउन स्पॉट्स, लाइट ग्रे ब्राउन स्पॉट्स एपियर ऑन द लोअर एंड ऑफ द फ्रूट। जो लाइट ग्रे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं वो एपियर होते हैं कहाँ पर, फ्रूट के लोअर एंड पर। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ डाइथेन जेड 78 और ब्लाइटेक्स 0.2%। ब्लाइटॉक्स और डाइथेन जेड 78 के छिड़काव से फ्रूट रॉट को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं एक डिज़ीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू, इसको एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे यदि कोई सीवियर डिज़ीज़ है तो वो है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू। इसलिए इस चीज़ को एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। द डिज़ीज़ अपीयर्स इन अक्टूबर नवंबर में। ये डिज़ीज़ कब अपीयर होती है, अक्टूबर नवंबर में, जब टेम्परेचर हमारा लो होता है और वेदर हमारा क्लाउडी होता है। टेम्परेचर लो मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और हमारा क्लाउडी वेदर, जब हमारे बादल छाए रहते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वाइट स्पॉट, सफ़ेद कलर के धब्बों से ये पहचाना जाता है। फंगस के सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ते हैं किसमें, पत्तियों में और फलों पर। प्रारंभिक अवस्था में पाउडरी मिल्ड्यू के जो मास होते हैं वो सरफेस लीव्स पर पूरी तरीके से फैल जाते हैं, और जब भयावह इस रोग का प्रकोप होता है तो फ्रूट्स पर भी सफ़ेद कलर के धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ इसके कारण प्रू मैच्योर फ्रूट का ड्रूप होने लगता है, जो हमारे फ्रूट मैच्योर नहीं होते, द फ्रूट्स ड्रॉप प्री मैच्योरली और बिकम संकिन मेस हेपंडेंट कॉर्की। इसमें छुआरा, सफ़ेदा सिलेक्टेड, नाजुक, ग्लोरी, सानोर 2, JG235 और चाइनीज आर रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू, उनमें रेजिस्टेंस पाई जाती है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कंट्रोल दिस डिजीज़, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो है ट्राइडीमेफोरॉन, डायनोकैफ 0.1%, केराटिन डायनोकार्प, ठीक है, बेटेबल पाउडर सल्फर 0.2%, बावस्टिन 0.05%, डस्टिंग द ट्री विद सल्फर एट 250 ग्राम पर ट्री। इसके साथ डिजीज़ का जो पोर्शन है, डिजीज़ का जो वीडियो है, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके हार्वेस्टिंग ईल्ड और राइपनिंग एंड स्टोरेज पर, हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड और राइपनिंग एंड स्टोरेज पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।